सीनियर आईपीएस प्रशांत कुमार अग्रवाल हरियाणा के नए डीजीपी। 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार अग्रवाल को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। प्रशांत राज्य के डीजीपी के तौर पर मनोज यादव की जगह लेंगे। इससे पहले प्रदेश सरकार की तरफ से भेजे गए 7 नामों में से यूपीएससी ने 3 नामों का एक पैनल बनाया था। इनमें से पीके अग्रवाल सबसे ऊपर था। हिसार नगर निगम में आज़ादी दिवस पर अनूठा कार्यक्रम। कूड़ा उठाने वालों ने की परेड। कमिश्नर ने महिला सफाई कर्मियों को बताया असली भारत माता। नगर निगम हिसार द्वारा स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिंदल ज्ञान केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में निगम मेयर गौतम सरदाना ने ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम की खास प्रस्तुति निगम की महिला सफाई कर्मचारियों और कचरा धोने वाले वाहन चालकों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा। महिलाओं ने नाच गाकर तो वाहन चालकों ने परेड करके कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। हरियाणवी लघु नाटक के माध्यम से नगर निगम के पौधारोपण अभियान से लेकर बेटियों की शिक्षा और खेलों में बेटियों के योगदान को दर्शाया गया। साथ ही देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों के जज्बे को प्रस्तुत किया गया। नगर निगम ने पहली बार आयोजन किया। इससे पहले निगम का आयोजन जिला प्रशासन के साथ होता था। किसान आंदोलन में गूंजा इनकलाबी लहर का संगीत। टीकरी बॉर्डर पहुंचे पंजाबी कलाकार। राजीव जमवदा के जज्बे का जवाब नहीं। पिता की मौत के बाद भी बढ़ाते रहे हौसला। 3 खेती कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए पंजाब और हरियाणा के कलाकार टीकरी बॉर्डर पर पहुंचे और इनकलाबी लहर नाम से का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम हरियाणा और पंजाब के कलाकारों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। हिसार में स्वतंत्रता दिवस पर किसानों की तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों द्वारा हिसार में ट्रैक्टरों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा जिले के चारों टोल से शुरू होकर चौधरी छोटूराम चौक पर पहुंची और वहां से जिंदल चौक होते हुए लघु सचिवालय तक गई। किसान नेता कुलदीप खरड़ ने बताया कि इस ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में सैकड़ों ट्रैक्टर शामिल किए गए। रेवाड़ी में राज्य मंत्री अनूप धानक ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रेवाड़ी के दिल्ली रोड स्थित राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री अनूप सिंह धानक पहुंचे। मंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही परेड की सलामी ली। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। देशभक्ति के गीतों पर सुंदर सुंदर प्रस्तुति देकर बच्चों ने सबका दिल छू लिया। स्वतंत्रता दिवस पर महिला किसानों ने जींद में निकाले तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा। चढ़ूनी कुरुक्षेत्र से पहुंचे सिंघू बॉर्डर। भारतीय किसान यूनियन ने किसान आंदोलन में जान फूंकने के लिए रविवार को पीपली से दिल्ली सिंघू बॉर्डर तक तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा की अगुवाई भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने की। इधर जींद के उचाना कला में किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाले। इस ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा की अगुवाई महिला किसानों ने की। अनिल विज ने फहराया तिरंगा। कहा सेना में हर 10वां व्यक्ति हरियाणा से। देश आज आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हरियाणा में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम खूब देखने को मिली। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अंबाला शहर के पुलिस लाइन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी भी ली। स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि देशवासी सदा हमारे वीर योद्धाओं की कुर्बानी याद रखेंगे। देश को आज़ादी दिलाने के लिए देश प्रेमियों ने काल कोठरी में रहते हुए अंग्रेजों द्वारा दिए गए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया। शहीदों के सम्मान में भाजपा ने निकाली सिरसा शहर में तिरंगा यात्रा। शहीदों के सम्मान में आज भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़, सिरसा लोकसभा के सांसद सुनीता दुग्गल सहित पार्टी के अनेक नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। अंबाला में कांग्रेस ने निकाला स्वतंत्रता मार्च। कुमारी शैलजा ने की अगुवाई। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अंबाला में कांग्रेस की तरफ से स्वतंत्रता मार्च निकाला गया। स्वतंत्रता मार्च कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें तिरंगा लेकर कांग्रेसी अंबाला की सड़कों पर घूमे। हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस की धूम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में फहराया तिरंगा। हरियाणा में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां मुख्य अतिथि द्वारा झंडा फहराया जा रहा है। इसी के तहत राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने रंगारंग कार्यक्रमों का भी आनंद उठाया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं, पुलिस के जवानों और अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया।
सीएम मनोहर के भाई के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे पूर्व सीएम हुडा व सुरजेवाला। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के भाई गुलशन खट्टर के निधन पर शोक व्यक्त करने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुडा नई दिल्ली पहुंचे। इनके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के अलावा अन्य कई नेता भी सांत्वना देने पहुंचे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर के भाई गुलशन खट्टर का निधन बीते शुक्रवार को बीमारी के चलते हो गया था। उचाना में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर परेड, महिलाएं बोलें सरकार डरी हुई है। जींद के उचाना में रविवार को किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाले। इस परेड में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर शामिल हुए जिन पर झंडे लगे हुए थे। इस ट्रैक्टर परेड को महिला किसानों ने लीड किया। महिला किसान ने कहा कि उन्होंने अपने रोड मैप पर ही ट्रैक्टर परेड की। उन्होंने कहा कि जो किसान की आवाज़ है वही सारे देश की आवाज़ है, यही मैसेज इस परेड के जरिए हम देना चाहते हैं। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझी, कलयुगी माँ ने छोटे बेटे के साथ मिलकर की थी बड़े बेटे की हत्या। हरियाणा के जिले रोहतक के गांव सैमाड़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कलयुगी मां ने अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे की हत्या कर दी और उसकी लाश को घर में दफना दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब रिश्तेदारों ने युवक के गायब होने पर इसकी शिकायत पुलिस को दी। सिरसा में किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। आज 15 अगस्त को जहां देश भर में मंत्रियों नेताओं द्वारा तिरंगा फहराया गया, वहीं आज किसानों ने भी सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इस मौके पर किसानों द्वारा राष्ट्रगान भी गाया गया। इसके बाद किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। किसानों ने यात्रा का नाम किसान मजदूर आज़ादी संघर्ष यात्रा रखा जिसमें सिरसा जिले से हजारों किसान और मजदूरों ने भाग लिया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेताओं को नहीं दी गई एंट्री, पुलिस ने रोका। फतेहाबाद में आज 75वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और ध्वजारोहण कर अपना संबोधन दिया। बिजली मंत्री ने लोगों को संबोधित किया और आज़ादी के महत्व पर प्रकाश डाला। किसानों के द्वारा बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला के विरोध का ऐलान किया गया था जिसके चलते चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात दिखी। शराब के ठेकेदार के सिर पर पिस्तौल मारकर नकदी लूटने वाले 5 गिरफ्तार। जाटूसाना थाना पुलिस ने शराब के ठेकेदार के सिर पर पिस्तौल मारकर नकदी लूटने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी पहचान गुरुग्राम के गांव महावीरपुरा निवासी विशाल, गांव औलांता निवासी कृष्ण, जिला झज्जर निवासी मारोत नितिन, जिला कानपुर के हरपुरा निवासी विनय और बिहार के नैनानगर के अखिलेश के रूप में हुई है। उन्हें अदालत में पेश करके एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। कांग्रेसी विधायक जगबीर मलिक ने साधा निशाना, बीजेपी का स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं। आज गोहाना में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गोहाना से कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रभात फेरी निकाली। वहीं शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी दी। जगबीर मलिक ने प्रदेश व देशवासियों को दी 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए बीजेपी की केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। मलिक ने कहा कि यह बीजेपी सरकार बताए कि स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन में 7 साल में कितना इजाफा हुआ है। रक्षाबंधन पर महिलाएं कर सकेंगी बसों में मुफ्त यात्रा, 15 वर्ष तक के बच्चों की भी फ्री टिकट। रक्षाबंधन पर्व पर बहनें एक बार फिर से हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसके साथ ही उनके साथ जाने वाले 15 साल तक के बच्चों की भी टिकट नहीं लगेगी। बहनें बिना किसी असुविधा के अपने भाइयों के घर जाकर राखी बांध सकें, इसको लेकर रोडवेज विभाग ने निर्णय लिया है। बस में यात्रा करने वालों को फेस मास्क के साथ साथ अन्य कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना होगा। हरियाणा परिवहन विभाग ने सभी डिपो महाप्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस में सुविधा मुहैया कराने में कोई कोताही ना बरती जाए। स्वतंत्रता दिवस पर 60 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा से तस्करी कर गुजरात भेजी जा रही 60 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। अवैध शराब से भरी हुई 540 पेटियां जब्त कर पुलिस ने कंटेनर चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी से जुड़े माफिया ने इन अवैध शराब की पेटियों को आइस बॉक्सों के नीचे छिपाकर कंटेनर में रखा था। ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर युवक से ठगे 15 लाख रुपए, दंपत्ति समेत 3 पर केस। यमुनानगर में ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर दंपत्ति समेत 3 लोगों ने युवक से 15 लाख रुपए लेकर हड़प लिए। पीड़ित युवक के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित दंपत्ति समेत 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है।
70% दिव्यांग होने का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर 13 साल लेता रहा पेंशन, जाने अब क्या हुआ। गोहाना सदर थाने की पुलिस ने रभड़ा गांव के अजीत पुत्र रामचंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। आरोप है कि वह वस्तुतः 10% ही दिव्यांग है, पर फर्जी दस्तावेजों से 70% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनवाकर पूरे 13 साल तक दिव्यांग पेंशन हासिल करता रहा। आरोपी का गाँव खानपुर कलां स्थित BPS गवर्नमेंट महिला मेडिकल कॉलेज में मेडिकल परीक्षण भी किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। 18 अगस्त तक मौसम रहेगा परिवर्तनशील व शुष्क। मौसम विभाग ने 18 अगस्त तक मौसम परिवर्तनशील और शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस दौरान बारिश की संभावना कम ही है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान 36 से 39 और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री रहेगा। वहीं हवा 7.5 से 17.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। हरियाणा के 37% सरकारी स्कूलों में नहीं मिली सफाई, 400 स्कूलों के सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। भले ही प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए अथक प्रयास कर रही हो, मगर जमीनी स्तर पर अभी बहुत किया जाना बाकी है। देश भर में मानसून चल रहा है, उसके बावजूद भी प्रदेश के 37% स्कूलों की छतों पर बरसाती पानी निकासी तक नहीं हो रही है। करोड़ों की इमारतों की छतों पर दीवारों में पानी की सीलन आ चुकी है। कई स्कूलों की छतों पर तो घास व पेड़ पौधे उगे हैं, तो कईयों के परिसर में कांग्रेस घास की भरमार है।